बुरहानपुर जिले में एनसीसी के 75वीं स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी तफज्जुल हुसैन मुलायम बाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद विभिन्न स्कूलों से आए एनसीसी दल का निरीक्षण उन्होंने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तफज्जुल हुसैन मुलायम बाला ने कहा कि इन 75 वर्षों में एनसीसी संगठन ने युवाओं के बीच में एकता और अनुशासन के प्रतीक के तौर पर एक अपनी पहचान बनाई है। मैं एनसीसी परिवार को उनकी असीम उपलब्धियों के लिए शुभकामना देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस मौके पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की बुरहानपुर इकाई ने एनसीसी प्रथम ऑफिसर संतोष सिंह, द्वितीय ऑफिसर तफजील जुनैद मुफ्ती और तृतीय ऑफिसर अतुल चावरे को शॉल और सम्मान पत्र से सम्मानित किया। लगन से काम को अपने जो सुना शाम करते हैं, जिन्हें मंजिल की ख्वाहिश हो वो कब आराम करते हैं। बहुत कम लोगों को मिलता है यह सम्मान। दुनिया में खुशी होती है जब बच्चे बड़ों का नाम करते हैं। तुम जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करोगे। हमने जो सपने देखे हैं तुम उनको साकार करोगे आने वाले जीवन में तुमसे कुछ आशाएं हैं। तुम अपनी मेहनत के बल पर काबू में संसार करोगे। जो चाहे हमको कभी मान नहीं मिल सकता, किसी भी क्षेत्र में सम्मान नहीं मिल सकता। हमेशा हमको यही बात को बस याद रखना है, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत और जय एनसीसी।